राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ठंड हमारे काफ़ी है। सबसे पहले मौसम का बता दूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं रोहांगन की कढ़ी, रोहांगन का कलथन जी, कुछ भी बोलो जो हमारे यहाँ की डिश है। मतलब ये मेरी अम्मा ने मुझे सिखाई थी बनाना, मैंने वैसे पहले नहीं देखी थी इस तरह से बनाते हुए। शायद आप लोग भी बहुत से होने हिमाचल से जो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा जरूर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बना दी है मतलब मैंने। तो पूजा जी हैं, कि उनकी बच्ची हैं आरुषि, उनका बर्थडे था पिछले कल, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो वो बेटी सारा दिन रास्ता देखती रही होनी कि मतलब मुझे विश नहीं किया। तो हैप्पी बर्थडे आरुषि बेटा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। एक ही दिन लेट हुआ है अभी, तो माता रानी आपको बहुत बहुत बड़ा आदमी बनाए, और बड़ा आदमी बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाए, यही हम दुआ करते हैं हमेशा। और आप बहुत पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, माता रानी से दुआ करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है, आप लोगों को बस पूरा देखना है, इसलिए देखना है, बाद में कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो फिर बाद में मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है? तो कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, मतलब बीच में से कोई नहीं पूछते तो फिर बुरा लगता है कि आपने वीडियो नहीं देखा पूरा। तो ये मेरी अम्मा की सिखाई हुई है, और यहाँ की जो बहुत फेमस डिश है, कोलत की बनती थी। कोलत जानते होने, कोलत की बनती थी, पर क्या कहते हैं आजकल कोलत ना मतलब कम होते हैं। मैं लाऊंगी कोलत से, कोलत खिचड़ा बनता है, कलथियान जी बनता है, वो तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, इससे भी ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलो देख लेते हैं रेसिपी, और फिर लाइक जरूर करना, और कल की वीडियो पे आपके बहुत अच्छे व्यूज आए, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये देखिए, ये है रोंगी दाल, और इसको भिगो देना है अपने रात को। और मुझे मजबूरी में आज जो है कुंडी में पीसने पड़ रहे हैं ये जो है रोंगड़, लेकिन इनको पीसना है हमने मिक्सी जार में। आपके पास मिक्सी जार? आज लाइट नहीं हमारे ना, तो ये दिक्कत आ रही है। और फिर मैंने बोला बनानी जरूर है, क्योंकि पता है ठंडी में ऐसी चीजों का बहुत मन करता है। मिर्चें खूब डालना आप इसमें, मतलब बहुत टेस्टी बनती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इस तरह से मैं इसमें कूट लूंगी, उस तरह से बारीक नहीं हुआ, पर चलो हो गया काम, मतलब जुगाड़ हो गया था। ठीक है, तो ये देखिए उतने मतलब बारीक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी। और हमारे चंगू मंगू इधर आ चुके हैं, और ये रोंगन पूरी रात आपने भिगो के रखने हैं थोड़े से गुनगुने पानी में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मसाला। आज आज लहसुन नहीं है, और आज प्याज है, आज लहसुन नहीं है, कल प्याज नहीं था, लहसुन अभी खत्म हुआ मेरा, जो अपना था ना वो अभी खत्म हो गया, और बिना लहसुन के ना मेरी सब्जी नहीं बनती, मुझे अच्छी नहीं लगती। और कुछ हो जाए ना, वो लहसुन जरूरी होता है, खासकर आजकल सर्दियों में। चलो कोई बात नहीं, नहीं है फिर भी। और हाँ एक बात और ये है रोंगी की दाल जो हमने पीस ली, इसमें इसको ना पूरी रात भिगो के रखें अगर हो सके, तभी जो है ये अच्छी तरह से पीसेगी। और इसको इस तरह से नहीं पीसना, इस तरह से, तो ये ना इसमें कच्चापन रह सकता है कुंडी में, मिक्सी जार में, तो ये अच्छी तरह से पकेगी। दो तीन स्टेप है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे मैंने तड़का डाल दिया कढ़ाई में, उतने को हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक तो ये मेरी कोफ्ती है ना, ये कुछ आगे आगे ही रहती है, तो ये लस्सी है, ये लस्सी ले ली है मैंने, अपने घर की लस्सी। आप दही में भी कर सकते हैं, काफी बार पूछते हैं लोग कि अगर लस्सी ना हो तो दही भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा फाट दिया। और ये मक्की का आटा, ठीक है, क्योंकि अगर ये मिक्सी में पीसा होता ना ये मटेरियल, तो इसमें मक्की के आटे की जरूरत नहीं थी। अब ये थोड़ा दरदरा जैसा है ना, तो ये बिल्कुल बारीक होना था, अब नहीं है तो जुगाड़ 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 तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना। गिल्ले में रख दिया था मैंने, ये कटोरी ना गिल्ली थी। चलो अब इसको घोल लेती हूँ इसमें ना, बेसन भी नहीं था, अगर बेसन होता तो मक्की के आटे की जगह बेसन घोल सकते हैं। तो मेरा तो हमेशा से एक ही फॉर्मूला रहता है कि जो भी चीज उपलब्ध है, जो मक्की का आटा कर देता है बेसन का काम बड़े आराम से, तो मैं इसको घोल लेती हूँ, है ना। और तड़का हमारा हो चुका है, तो चलो आज नहीं मेथी तो है, मेथी है, चम्मच से निकालती हूँ उतने को, मेरी मेथी जल जाती है, आज मैं मेथी नहीं जलाऊंगी। ये और फटाफट से डाल
फटाफट से डाल दिया हमने प्याज ताकि जो ये जले ना, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब क्या करना है, हमने इसको होने देते हैं ना। और ये देखो प्याज हमारा हो ही गया, इससे भी ज़्यादा नहीं जलाना हमने। अब डाल देते हैं इसमें अदरक और ये मिर्च का दर्रा, ये पड़ा जी मिर्च का दर्रा, ये देखिए। अब डाल देनी साथ साथ में हमने नमक और हल्दी। आज लाइट नहीं है, पता नहीं फोन कब तक साथ देंगे। रेड़िया तरेड़िया वो दूर वो नाचे नाड़े खोड़े गोरा तोप दी ओ हुण वो कताई जो नसदा दूड़ू ओ बापुए तेरे वो नाई ताई जो नसदा दूड़ूआ ओ बापू लड़ तेरे वो लाई। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इससे ना हमने सिर्फ आधा डालना है इसमें, ठीक है। आधे के हम इसके पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े। ये देखिए बनाना आप ना, इसकी सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है ना। इसको हम क्यों भून रहे हैं, क्योंकि इसमें कच्चापन हो सकता है। कुछ लोग पता शुरू में देखेंगे थोड़ा सा ना, और फिर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं लास्ट में। फिर पता क्या बोलते हैं, जो बात मैंने बीच में बताई होती है ना, ये कैसे करना, मेरे को बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा बताया है मैंने आपको ऑलरेडी, तो बस इसको हमने धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाना है, ठीक है। बस मैंने बता दिया, अगर मिक्सी में ये पीसा होता तो इसको वो जो तब हमने लस्सी में मिलाना था ये, ठीक है, और सीधा डाल देना था इसमें, तब उसको फिर जो है कड़ी की तरह। तो इसको बोलते हैं रोंगी का कचौड़ी या रोंगी की कड़ी। अभी हम रोंगी के पकौड़े भी बनाएंगे। ये देखिए इसको ऐसे भून लेना है। तो अब ये भून ही चुका है समझो, जरूर नहीं तो कच्चापन रह सकता है। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, अगला जो प्रोसीजर है, अब इसमें डालेंगे हम पानी। हल्दी कम लगती है मेरे को, पानी तो इसमें बहुत पड़ेगा क्योंकि मक्की का आटा भी लगाया है ना। अपने हिसाब से डाल लेना आप, अगर आपने बनानी होगी तो। तो चलो अभी इसको देते हैं पकने, है ना। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ मैं इसमें, कम होने के आसार लगते हैं। और हाँ एक चीज मैं भूल गई फिर से, ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो जरूर जरूर डालें, कड़ी पत्ता तो वही, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में। होगा तो डालना, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि कहीं से लाना हो तब डालना। होगा तो डालना, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, नहीं होता तो नहीं डालती। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ, ठीक है। इसके बनाएंगे हम पकोड़े, ये देखो। तो चलो आ जाओ, थोड़ा सा इसमें ना मैं मक्की का आटा मिला देती हूँ। तो देखिए इसमें हमने थोड़ा सा मक्की का आटा डालना और थोड़ा सा जो है धनिया काट के। हाँ हाँ, इतना टेस्टी बनती है ना ये चीज। और थोड़े से काट देंगे इसके बीच में सरसों के पत्ते, हरे पत्ते जो भी होंगे आपके पास वो काट लेने इसके बीच में, ठीक है। तो ये देखिए इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ये है सरसों के पत्ते मेरे पास हरे, कुछ पालक के, जो भी मेरे को हरा दिखता है ना, मतलब जिसको खाते हम। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसको कर देंगे मक्की का आटा, मैंने डाल दिया धनिया भी डाल दिया और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। अब ये जब पूरी तरह से समझाना होता है ना कोई भी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लंबा हो गया वीडियो, तो इतना तो होगा ही, है ना। ये और थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जीरा, ठीक है।
गरम मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं मिक्स। ये मक्की का आटा मैंने इसके बाइंडिंग के लिए मतलब ताकि ये चिपक जाए, अगर ये मिक्सी में मिक्स होते तो जरूरत नहीं पड़नी थी, ऐसे ही चिपक जाने थे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, यहीं पे बना देती हूँ मैं, नीचे दिखेगा नहीं कुछ, नहीं लाइट नहीं है ना आज। तो ये देखिए, ये हमने कर दिया ना तैयार इसका पेस्ट मिक्सचर जो भी है। अब इसको करती हूँ मैं परली साइड और यहाँ पे बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें तेल लगा लेना है। ठीक है, तेल ये देखो, और इसको भी थोड़ा सा पकने देना है, एक तो ये तवा बहुत छोटा है, और फिर थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। ये देखिए, ये है ना, इस तरह से हम एक रोटी भी इसकी बना सकते हैं। देखती हूँ मैं एक ही बनाती हूँ। रोटी बनाते टाइम तो आपने जरूर बाइंडिंग के लिए कुछ डालना। हाथों से इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, अब इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। तो ये अभी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, चिपक गई है। तो फिर मैंने पता क्या करना है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये नहीं पकी उस तरह से, है ना, नहीं पकी ना। अब हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। उस तरह से नहीं पकी जिस तरह से पकनी चाहिए, बाहर से जल गई और अंदर से कच्ची रह गई। तो अभी हम दूसरा फॉर्मूला अपनाएंगे। ये पता क्यों टूट रहा है मेरा, शायद मैंने तेल इसमें नीचे कम डाला है ना, बस इसको ऐसे पकाना है, पर ये नहीं बना, बना ही नहीं। अब दूसरे तरीके से बनाएंगे हम, है ना। इसको मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ, ये देखिए इसको मैंने उठा दिया, टूट जैसा गया ना, ये टूटता नहीं वैसे। तो चलो अभी दूसरी तरह से बनाते हैं इनका। अभी हम इसको लेंगे छोटे छोटे बनाने, ताकि वो पक भी जाए और पलट भी जाए आराम से, है ना, दोनों तरफ से बनाते हुए। ये देखो, ये ठीक रहेंगे मेरे ख्याल से ना। चलो मैं बना लेती हूँ, और सारे बना दे, सारे तवे पे छोड़ देने, ये पकेंगे भी और पलटेंगे भी। ये देखिए अब ये आराम से पलट जाएंगे, है ना, पलटे ना, तो इस तरह से ना ये आसानी से बन जाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसमें आप तेल डाल देना, ताकि कुरकुरे कुरकुरे क्रिस्पी बने, नहीं क्रिस्पी क्या बोलते हैं, क्या बोलो या नहीं, कुरकुरे है ना। ये देखिए, हाँ, और बता ये फूल भी रहे हैं। अब इसको मैं बीच में लाऊंगी, देखना ये हो गया ना। ये देखो, तो ये देखिए, इनको पकाना है सिर्फ और सिर्फ धीमी आंच पे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जितना हो सके पतला बनाइए। तो अब ये हो चुके हैं, अब हमने क्या करना है, इनको ठंडे होने देना है, गर्म बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो ये घुल जाएंगे इसमें। ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे वो था जो पहले बनाया था, ठंडे होने देना है। ये देखिए, तकरीबन हमारी कढ़ी भी हो ही चुकी है इसके, इसको तो काफी देर पकने देना है, काफी देर होगी इसको, ये दूसरे चूल्हे पे रखी थी मैंने। तो ये देखिए, अब इसमें गाढ़ आ चुकी है, वो मोटी रह गई थी ना रोंगी, इस वजह से ये आ रहे हैं दाने दाने जैसे। और लास्ट में गर्म मसाला, हरा धनिया जरूर डालना, और इसको गैस बंद करके अभी मैं नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ वीडियो का एड करूंगी, नहीं तो मुझे और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो जाएगी। नहीं तो अब इनको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, बिल्कुल नहीं मतलब थोड़े से रहेंगे जब 5% गर्म रहेंगे, और गैस बंद कर देंगे जब ये 5% गर्म रहेंगे, उसके बाद इनको टुकड़े करके, ऐसे टुकड़े कर देने इनके। मैं आपको दिखा देती हूँ एक, इस तरह से, इस तरह से,
और इस तरह से सिर्फ एक ही डालूंगी अभी इसमें, नहीं तो ये गल जाएगा, गर्म गर्म में डालेंगे ना तो ये गल जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको डालना है, तो इसको बोलते हैं कोल्थ का कलथ्यांजी। ठीक है, तो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको। हाँ, हरा धनिया भी जरूर डालना लास्ट में, मैं डाल देती हूँ आपके सामने, आप नहीं डालोगे, नहीं तो हरा धनिया मैं बाद में डालूंगी जब ठंडा हो जाएगा। फिर ये गर्म मसाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल देती हूँ। और लाइक करें जरूर करना, आप लाइक करना भूल जाते हो कोई कोई। वंदना ग्रोवर जी ये वो बोल रही थी मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो देखिए वंदना जी ऐसा मत बोला करिए, आप लोग ही हमारी हिम्मत है। और एक सुमन शर्मा है, कल उन्होंने पहले बोला था कि प्लीज प्लीज प्लीज, काफी सारे लोग हैं, पता मैं क्यों नहीं लेती नाम, और फिर सभी लोग बोलेंगे ना, अच्छा सबकी नाराजगी जायज है ना, जब मुझे सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है तो मैं किसी किसी का नाम लूंगी तो आप प्लीज खुद सोचना, अच्छा नहीं लगेगा ना, प्यार से आपको बोल रही हूँ। तो ये मतलब जो है इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और बस ये इनको डालना हमने भी बाद में, और ये बन जाएगा, और ये कोल्थ का बनता है वैसे, मैं कोल्थ का बता के उसको बोलते हैं कलथ्यांजी। इसको भी हम, इसको रोंगन की कड़ी बोलो, रोंगन के पकौड़े हमने बना दिए, पर इस तरह से जो हमने बनाए तेल में ना तले, नहीं तो जो अच्छे नहीं होते मतलब। तो चलो करते वीडियो का ये पेड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।